हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम अपने गेमिंग सीरीज का शुरुआत पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड से करने वाले हैं। पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड को छोड़ के हम पोकेमॉन के और भी गेम्स खेलेंगे, और गेम्स खेलते खेलते मैं हिंदी में कमेंट्री करता रहूँगा नॉर्मल। तो शुरू करते हैं और टाइम ना वेस्ट करके। इंग्लिश जिन्होंने पोकेमोन पहले खेला है उनको तो पता ही होगा ये कौन है। प्रोफेसर रोहन, ये छोटू सा मचलैक्स आ गया। तो कोई भी एक, और नाम हम अपने चैनल के ऊपर देने वाले हैं। तो अपने चैनल का नाम सरकास्टिकली ऑफेंडर है, तो हम अपना नाम सरकास्टिकली देंगे, सरकास्टिक देंगे, और बाइबल का नाम ऑफेंडर देंगे। तो फाइन नेम दैट इज, ये रहा अपना राइवल। इसका असली नाम शायद बैरी है, तो हम इसका नाम यहाँ पे ऑफेंडर देंगे। ये बस मीम्स के लिए नॉर्मल, या ऑफेंडेड। ऑल राइट सरकास्टिक, टाइम हैज कम, जरूर मिलेंगे। र्यूमर्ड रेड गैराडोस को खोज रहा है। रेड गैराडोस मुझे जितना याद है पोकेमोन हार्ड गोल्ड या सोल सिल्वर का था, वो यहाँ पर क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आया। बस रेड गैराडोस, गेम बहुत बढ़िया है वैसे। और ये निंटेंडो अपना सेल्फ प्रमोशन करता हुआ, निंटेंडो स्विच का। और ये अपना बीपी है क्या? अच्छा कुछ नहीं है। अरे ये अपनी मम्मी, अच्छा ऑफेंडेड आया था, क्या चाहिए उसको पता नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा टॉल ग्रास में जाने को मना कर दी। हाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। टॉल ग्रास में जाने को मना किया तो हम सबसे पहले वही जाएंगे, चलते हैं। ओ जाने नहीं देगा। अरे बाप रे, ये धक्का क्या मार दिया। ऑफेंडेड वाज लुकिंग फॉर यू, आ तो ठीक है ना, किधर है वो भाई? की इज्जत ही नहीं है भाई, धक्का मार दिया से। अरे अरे फिर से हर जगह धक्का खाए जा रहे हैं भाई, भाई की इज्जत डुबा दी। 1 मिलियन टाइम सट्टेबाज आदमी। हर तरफ धक्का खाए जा रहा है भाई। अच्छा तो ऊपर भाग गया। अब 1 मिलियन से 10 मिलियन हो गया, अलग ही सट्टेबाज आदमी। ऑफेंडेड क्यों भी? 201। अच्छा अगर उसने फिर से धक्का मारा मेरे को तो पूरा हो जाएगा वैसे। अरे हाँ रेड गैराडोस वाला। अच्छा, तो उसको लगता है हमारे यहाँ जो लेक है उसमें रेड गैराडोस के जैसा कोई पोकेमोन। अच्छा और उसको वो पकड़ना है और मुझे वो लेके जा रहा है। अच्छा,
ये वैसे दोस्त होते हैं जो हमेशा बुरे काम में एक साथ जाते हैं और तुम्हें फंसा देते हैं। अच्छा, वैसे टॉल ग्रास में जाने को मना किया, अभी जाने दे। अच्छा, रिमेम्बर व्हाट योर मदर सेड। अच्छा, मम्मा का लड़का एकदम मस्त। देखो, बुरा काम में इसका आइडिया था, लेकिन हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, लेटेस्ट फाइंड। और उसके रेड गैराडस ही चाहिए, कोई और नहीं चलेगा। अच्छा, ये रोहन और टॉम खरीद सर। हाँ, पोकेमोन। अच्छा, ये भाग रहे। अच्छा, वो कुछ छोड़ गए सूटकेस। वैसे मैंने पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल नॉर्मल वाले खेले नहीं है, बस प्लैटिनम खेला था। तो प्लैटिनम का शायद ऐसा नहीं था स्टार्टिंग, सब कुछ अलग था। डोंट गो इन द। अच्छा, ये बोले टॉल ग्रास में चले जाओ, कुछ देर पहले जाने नहीं दिया, वो चला है। अच्छा, अब वो आगे जा रहा है। अच्छा, ब्रीफ केस, इसमें जरूर पोकेमोन होगा। हाँ, आ गया। अब पोकेमोन चूज करना है, बहुत ही बड़ा डिसीजन। कौन सा ले, टर्टविग, चिंचार और पिपलप है। तो हम टर्टविग से शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहला पोकेमोन बैटल अपना। टर्टविक को टैकल आता होगा और क्या, विड्रॉ। अच्छा, मूव है, टैकल मारता। मैंने सुना था इसमें फ्रेंडशिप का बहुत काम आता है, वैसे मैंने जो यूट्यूब में वीडियोस देखे थे उसमें फ्रेंडशिप बहुत काम आता है इसमें। टर्टविक का टैकल। अच्छा, वो भी टैकल मारता। बहुत ही इजी बैटल था, लेवल 2 का था, ऑब्वियसली इजी होना था, टफर था नहीं। हाँ, एकदम एकदम। देयर वेयर अदर पोकेमोन बट वी हैव टू यूज सम। अच्छा, आ गई। डन, पोकेमोन लेने। अच्छा, ब्रीफ केस ले लो। अच्छा, हाँ, यूज कर लिया। ब्रीफ केस लेके चली गई, पोकेमोन नहीं लिया। अच्छा, पोकेमोन हमको दे देगा शायद, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेट्स गो टॉक। अच्छा, चलते हैं। अच्छा, अब वो आगे जाए, गंदा काम हो गया, अब वो आगे जाए। अच्छा, अब मैं आगे जाए। वाह वाह, मेरे को तो मन ही नहीं करता अपने पोकेमोन के साथ रहने का। अच्छा, उसने पोकेमोन वापस नहीं लिया, बोला भी नहीं कुछ। अच्छा, आई थिंक यू शुड विजिट आवर लैब। अच्छा, जाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे। अच्छा, वी शुड गो होम। अच्छा, मम्मी को बोलने हैं क्या हुआ अपने साथ। मम्मी, मेरी गलती नहीं थी वैसे, वो ऑफेंडेड बंदा बहुत बुरा है, उसने उसने ले वो लेके गया था मेरे को। अनहार का सैंड्रम तम। अच्छा, हाँ, ये काम का चीज, रनिंग शूज बहुत काम का है भाई, स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जरूर जरूर, चलते हैं। इस तो देखो, तेजी देख लो लौंडे की, ये रहा पहला धक्का मारने वाला, सुन दे। ए, इधर देख,
मैं वापिस आएगा पोकेमोन चैंपियन बनने के बाद, फिर देखेगा मैं कौन किसको धक्का मारता है, समझा? मुंह क्या फेरता है बे, ऑफेंडेड। अच्छा इवेंट, अच्छा अभी भी इसको ऑफेंडेड की पड़ी है, मेरा दोस्त है ऑफेंडेड का। ये कौन है? अच्छा मेरे को पता ही नहीं था कि कॉल रस से पोकेमोन। अच्छा ये शायद पोषण देती है ना, एक पोषण। अभी ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करना, चलते पहले प्रोफेसर इज वेटिंग। चलो, और ये बस भैया धक्का ही मारे जा रहा है तब से, इज्जत पे इतना वार। इसका बदला मैं अलग से लेगा, इसका बदला मैं पोकेमोन बैटल में लेगा। बस आने दो, तुम्हारे साथ बहुत सारा बैटल होने वाला है मेरा, तब बदला लेगा। ऑफेंडेड का ऑफेंसिव बिहेवियर। हाँ, तुमसे तुम्हारे साथ जब था उससे तो ज्यादा खुश है, टट्टू मेरे से ज्यादा खुश है तो मेरे को पता है। निकनेम? नहीं, निकनेम देना नहीं है। अच्छा, टट्टू दे रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा पोकेडेक्स। अच्छा ये बोल रहा है पोकेडेक्स में डेटा कलेक्ट करने को, इसके लिए नहीं करेगा हम। आई कैन स्टैंड हियर विदाउट स्पीकिंग फॉर आवर्स। क्या हरामी बनता है भैया, बोल रहा है जब तक हाँ नहीं बोलेगा मेरे को जाने नहीं देगा, भाई नहीं जाएगा। फिर देखो देखो देखो, वाह 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 वाह, तो पूछ का रहा है, दे दे। हाँ ले ले, वाह वाह, हाँ गुड आंसर। अब तो जाने दे भाई, चाहे इसको और बात करना। हाँ चलो चलो, हाँ भाई जाने तो दो। चलो अच्छा, अब इसको भी बात करना है। अच्छा इसको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा ये पोकेमोन सेंटर है, ये इसका एक्सपीरियंस है, और ये पोकेमार्ट है, ये इसका एक्सपीरियंस है मेरे से ज्यादा। चलो मस्त फैमिली। अच्छा फैमिली को बोल रहे यार, मम्मी को बोल रहे यार, नहीं जाएंगे। मम्मी को बोलने नहीं जाएंगे, सीधा निकल जाएंगे। अच्छा ये इधर भी खड़ी है, जाने नहीं दी। मम्मी को बोलना है, जबरदस्ती वाला गेम अभी। अरे ये भी धक्का दे दी भाई, कि कैसा गेम है, धक्का वाला गेम है का? कैसा कैसे धक्केबाज लोग है भाई। चलो बोली आते मम्मी को, और पकड़ लिया। चेक और स्टार ली, नहीं लड़ना मुझे, माफ करो। चलो फिर कभी मिलता है स्टार्लिक। अरे भाई भाई, शाली को अभी मिलना था, फिर कभी नहीं चलेगा। नहीं स्टाइलिक बाद में मिलता हूँ। चल चलते हैं मम्मी को बोलने। किधर है मम्मी?
डिनर टेक रेस्ट। अच्छा पहले खाना खिलाई फिर सोने थी फिर। अच्छा हाँ जबरदस्ती किया मम्मी। अच्छा मम्मी को उससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रोफेसर ने जबरदस्ती मेरे से काम करवाने को बोला। अच्छा उसको वो भी बोल रही है कि तुम जाओ मेरे को भी खुशी होगा। अच्छा मतलब मैं रहता है उसको खुशी नहीं होता। सही है। अरे ऑफेंडेड किया मम्मी। अच्छा अच्छा मुझसे पूछने का मतलब ही नहीं है। ये तो मेरे घर जैसे सीन हो गया भाई। मेरी मम्मी बोल देती है मैं क्या करेगा। हाँ दे दो सब ले जाएगा। मैं पार्सल बॉय तो है डिलीवरी बॉय। वो मेरे को वो सारा धक्केबाज आदमी धक्का मारता जाएगा मेरे को और मैं उसको पार्सल पहुंचाने जाएगा। अच्छा मम्मी ने टोपी पहना दी। सही है वैसे टोपी अच्छा लग रहा है। चलो पीटू इसको भी नहीं लेना मेरे को। ऐसे ट्रेन तो करना है ट्रेन करना होगा। पोकेमोन का लेवल कितना है। अच्छा लेवल 5। और अभी अपना पोकेमोन का लेवल 10 हो गया। अब वैसे ये मैजिक नहीं मजाक था। मैंने ट्रेनिंग वाला पार्ट कट कर दिया है। ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेनिंग वाला थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। एक ही बार में क्लास में इधर उधर करते हुए ट्रेन करते हुए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो हर बार मैं जब ट्रेन करूँगा वो मैं कट कर दूंगा। तो अभी चलते हैं। हाँ अभी ये अगर फिर से मेरे को धक्का मारी। अच्छा क्या करेगी। नहीं अच्छा धक्का नहीं मारे। अच्छा अच्छा ये मेरे को पोकेमोन पकड़ना सिखाई। सब नूब समझते हैं मेरे को वैसे। अच्छा पीडो पकड़ेगी। वैसे पोकेमोन के एनिमे में भी इसके पास पिपलप ही था। एक तरफ से अच्छा हुआ मैंने टाटू किया। अच्छा अच्छा पूरा डिटेल में होता रही। एचपी कम करना होगा फिर बैग में जाके पोकेमोन को पकड़ने के लिए पोके बॉल यूज करना होगा। थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा लगता वैसे। पर कोई ना देखते हैं। हाँ एकदम लेवल 2 का ही तो है पकड़ने तो आएगा। तुम फुल हेल्थ में भी पकड़ सकते थे वैसे। पर कोई ना हाँ एकदम नीट मतलब पूरा पी गया। हाँ ये बढ़िया काम किया। चलो माफ किया मैंने इसको धक्का मारने के लिए। इसने मेरे को अच्छा एक चीज दे दिया। अब मैं पोकेमोन पकड़ पाएगा। वैसे पकड़ना क्या है। मैं सोच रहा हूँ फ्लाइंग टाइप तो अच्छा होगा। एक स्टारली पकड़ देते हैं। देखो बोलते बोलते आ गया। कितना लेवल का है वैसे। अच्छा लेवल का पकड़ेंगे। 4। इस हिसाब से 4 शायद अच्छा ही है आई गेस। पकड़ लेते हैं क्या देखते हैं। अगर ये बच जाए तो पकड़ लेंगे। अच्छा बच गए तो पकड़ लेते हैं। अच्छा 20 पोकेबॉल दिया है बाप रे। कुछ तो फायदा हुआ डॉन का। और मेरे को लगा निकल जाएगा बाप रे। अगर स्टारली निकल जाता तो मैं गेम खेलना छोड़ देता। मैं
इसका निकनेम हम देंगे, इसका निकनेम हम ऑफेंडेड देंगे। अब क्यों देंगे? क्योंकि अपने राइवल को मैं कोशिश करूंगा, हर बार जब मैं अपने राइवल के साथ लड़ूंगा पहला पोकेमोन मेरा स्टार्ली होगा, और कोशिश करूंगा उसको स्टार्ली से ही हराने का सिर्फ, उसका धक्का मारने का मैं उसको नतीजा दिखाएगा। अच्छा वैसे अपना स्टार्ली अब कितना लेवल का था? 4 राइट। तो उसका समरी में मूव क्या क्या है इसके पास? टैकल और ग्राव, ऐसा भी अच्छा कुछ है नहीं, कोई ना। और ये स्टार्ली बन गया लेवल 10। अब ऑब्वियसली ये भी मैजिक नहीं मजाक था, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली ट्रेनिंग कट कर दिया। अब स्टार्ली को पावरफुल बनाना था, क्योंकि मैंने अभी बोला ऐसे कि ऑफेंडेड को मैं स्टार्ली से हराऊंगा, तो ऑब्वियसली स्टार्ली को तो थोड़ा पावरफुल होना ही पड़ेगा। तो अभी जैसे देख सकते हैं कि अपना पहला बैटल है ये, तो ये बैटल करके ही मैं आज का वीडियो खत्म करने वाला हूँ। तो चलिए बैटल शुरू करते हैं। इसके पास क्या होने वाला है? स्टार्टिंग में स्टार्ली थी शायद मेरी, हाँ, और उसका भी स्टार्ली। चलो स्टार्ली वर्सेस स्टार्ली, कितना लेवल का है इसका? लेवल 5 है, अभी अभी पकड़ा है वैसे। आहा, एक ही विंग अटैक खत्म कर दिया उसने। और स्टार्ली ऑब्वियसली आई एम टू स्ट्रॉन्ग, तुमसे तो बहुत ही ज्यादा। तो चलो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो, कल यहाँ से शुरू करेंगे फिर से। कोशिश करूँगा मैं हर रोज़ एक एक वीडियो डालने का, मोटो तो यही है, हर दिन एक एक करके एपिसोड डालने का। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब और शेयर तो ऑब्वियसली करना। और किसी का अगर कोई सजेशन हो कि कौन सा पोकेमोन मुझे नया पकड़ना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मुझे तुम्हारा कमेंट पसंद आया और पोकेमॉन पसंद आया तो मैं वो पोकेमॉन लूँगा और पोकेमॉन का निकनेम तुम्हारे नाम पे। तो फिर से मिलते हैं अगले दिन, चलते हैं, बाय बाय।